बार पिछले बार कितने नंबर आए थे तुम्हारे? पिछले बार 100 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली सर, इस बार थोड़ा ट्राई किए कि 200 तक खींचे। क्या कितनी उम्मीदें थी पहले और अब में कितना, मतलब क्या अलग है? पहले मतलब मेरे 573 मार्क्स थे ग्रेस मार्क्सिंग को हटा के, तो उम्मीद तो यही है कि इस बार 600 प्लस आएंगे, पर इस बार कट ऑफ भी थोड़ी हाई है। अब मेरे को तो नहीं लगता क्योंकि इस बार तो चेकिंग वगैरह भी हार्ड हुई थी और स्ट्रिक्ट थी, तो इस बार तो नहीं लगता। कैसा रहा एग्जाम आप लोगों का? थोड़ा लेंदी था पेपर पिछले के मुताबिक। ये बताइए कैसा रहा ये एग्जाम? लेंदी था, मतलब पिछली बार की अपेक्षा बहुत ज्यादा टफ था क्या? टफ नहीं था पर था, मतलब थोड़ा लेंदी था। और टाइम भी कम मिला था? नहीं नहीं, प्रॉपर टाइम मिला था। कैसा रहा एग्जाम, पिछली बार की अपेक्षा टफ था या सरल था, कैसा रहा? अब सर वो तो घर जाके एनालिसिस करेंगे कि कैसे गया, बाकी जितना आया उतना हम बनाए और पिछले बार से अच्छा बनाने का ट्राई किए हैं। और टाइम भी पूरा मिला इस बार? हाँ, टाइम में कोई वो नहीं हुआ, इस बार सब सही था, सारी चीजें ठीक से हुई और ठीक था इस बार। रीनीट 2024 का एग्जाम आज कंडक्ट हो चुका है और उस पेपर को देखते हुए बच्चों का आपने रिव्यू देखा होगा कि पेपर का लेवल पिछले साल से और इस साल जो पेपर हुआ था नीट का 24 में, उससे थोड़ा सा लेवल आपका अप मिलेगा, लेवल थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लेवल बहुत ज्यादा टफ आया है, टफ नहीं आया है, ओनली 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आया है, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन में से 190 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे, जो पिछले पेपर में हुआ करते थे, लेकिन इस बार 10 क्वेश्चन थोड़े से टफ डाले उन लोगों ने। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी बाहर से थे, वो एनसीईआरटी के बाहर से बिल्कुल नहीं थे, एनसीईआरटी से थे, लेकिन फिर भी उन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था। इसका मतलब आपको पता लगना चाहिए कि अगले साल 2025 में जो नीट का पेपर आने वाला है, उसके लिए यहां से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आज जो पेपर आएगा वो तो एनसीईआरटी बेस ही आएगा, लेकिन पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा टफ आएगा, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने वाले हैं नीट 25 में। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूं मैं तो इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे गए, थोड़ा सा लेवल उनका टफ था, साथ में 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे गए और 2 क्वेश्चन बायो में पूछे गए, बाकी पेपर ओवरऑल सेम था जो नीट के एग्जाम में आया था, इसका लेवल इतना भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि भाई जो आपका रीनीट हुआ है, इन बच्चों का रिजल्ट बाकी बच्चों के साथ ही कंबाइन होने वाला है, इसलिए इस एग्जाम को बहुत ज्यादा टफ नहीं करा गया है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं करा गया है, क्योंकि पिछले वाले जो बच्चों ने एग्जाम दिया है वो बच्चों का कंपटीशन इन बच्चों के साथ में, तो इसलिए पेपर सेम रखा गया है, लेवल सेम रखा गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नीट 25 में भी पेपर का लेवल सेम आने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन 10 क्वेश्चन से उन्होंने बता दिया है कि भाई लेवल तो आपका 25 में बढ़ेगा, और इसका मतलब है कि भाई एनसीईआरटी से पेपर तो आएगा लेकिन एनसीईआरटी में भी टफ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो आने वाले हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और साथ में ओवरऑल में बात करूं तो पेपर का लेवल मॉडरेट था, बस उन 10 क्वेश्चन को छोड़ के पेपर इजी था, जैसे पिछले पेपर में हुआ करता था, बस आपको ध्यान में रखना है। और अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से कौन कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर का लेवल क्या था और कौन सा क्वेश्चन कितना ट्रिकी था और कितना इजी तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हैं, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहना मेरे साथ में, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी जल्दी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।